हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। सो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में मैं आपसे शेयर करूंगी कि आप वीटा एप्लीकेशन को यूज़ करके एक अच्छी वीडियो कैसे एडिट कर सकते हैं। और दोस्तों, इस एप्लीकेशन को यूज़ करके आप इंस्टाग्राम के लिए, फेसबुक के लिए और ऑफकोर्स यूट्यूब के लिए वीडियोज़ एडिट कर सकते हैं। इस ऐप में आपको बहुत सारे फ्री टेम्पलेट्स मिल जाएंगे, जिनकी हेल्प से आप अपनी फ़ोटोज से भी एक अच्छी वीडियो बना पाएंगे, जो कि आजकल इंस्टाग्राम पे काफ़ी ट्रेंडिंग भी है। इस ऐप को यूज़ करके आप स्लो मोशन वीडियोस भी एडिट कर सकते हैं। इसमें आपको बहुत सारे ट्रांजिशन इफ़ेक्ट्स भी मिल जाते हैं, जिनके हेल्प से आप एक अच्छी और प्रोफेशनल वीडियो एडिट कर पाएंगे। और दोस्तों, सबसे अच्छी बात तो ये है कि इस एप्लीकेशन में कोई भी वाटरमार्क नहीं आता है। ये एप्लीकेशन एकदम फ्री है, तो आपको फिक्र करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। और मैं आपसे सारे फीचर्स डिस्कस करूँगी डिटेल में, तो आप वीडियो को पूरा एंड तक ज़रूर देखें। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है, यूज़फुल लगती है, तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में वो बेल बटन भी प्रेस करें, जिससे आपको मेरी न्यू वीडियोस की अपडेट मिलती रहेगी। और आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी जरूर फॉलो करें। सो या विदाउट वेस्टिंग टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। फ्रेंड्स, वीटा एप्लीकेशन आपको प्ले स्टोर में इजीली अवेलेबल हो जाएगा, तो आप उसे वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। मैंने इसे ऑलरेडी डाउनलोड कर रखा है, तो मैं इसे यहां से ओपन कर लूंगी। इसका इंटरफेस कुछ ऐसा दिखता है। अब दोस्तों, सबसे पहले आपको इसमें सेटिंग वाले ऑप्शन में जाना है और यहाँ से वीटा वाटरमार्क वाला ऑप्शन है, इसको आपको अनटिक कर देना है, जिससे कि आप जो भी वीडियो बनाते हैं, चाहे वो इंस्टाग्राम के लिए हो या फिर यूट्यूब के लिए, उसमें वाटरमार्क नहीं आएगा। और दोस्तों, आपको इसमें बहुत सारे फ्री टेम्पलेट्स मिल जाएंगे, तो हम देख लेते हैं आपको उन्हें कैसे यूज़ करना है। सो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं यहाँ पर ये आपको बहुत सारे टेम्पलेट मिल जाते हैं। अब आपको इनमें से जो भी अच्छा लगता है, आप उसको यूज़ कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर ये वाला एक सेलेक्ट कर रही हूँ। तो दोस्तों, ये हमारी टेम्पलेट कुछ ऐसी दिख रही है। अब बेसिकली आप इन टेम्पलेट्स को यूज़ करके अपनी फ़ोटोज़ से वीडियो बना सकते हैं। उसके लिए आपको बस यूज़ नाउ के ऑप्शन पर जाना है और यहाँ पर आप देख सकते हैं इसमें आपको 12 फ़ोटोज़ सेलेक्ट करनी है। हर टेम्पलेट में अलग अलग ऑप्शंस आते हैं, किसी में 5 फ़ोटोज़, किसी में 6, इस तरीके से आता है। तो हम यहाँ पर अपनी फ़ोटोज़ सेलेक्ट कर लेंगे। तो मैंने यहाँ पर फ़ोटोज़ सेलेक्ट कर ली है। अब आपको यहाँ पर नेक्स्ट करना है एंड देन हम देख लेते हैं कि हमारी वीडियो कैसी रेडी हो रही है। तो दोस्तों, आप इस तरह से अपनी फ़ोटोज़ से वीडियो बना सकते हैं फ्री टेम्पलेट्स को यूज़ करके। उसके बाद आपको बस यहाँ से एक्सपोर्ट कर देना है एंड उसके बाद आप इसको अपने इंस्टाग्राम पे यूज़ कर सकते हैं। तो मैं फ़िलहाल इसे एक्सपोर्ट नहीं कर रही हूँ। अब दोस्तों, अगर आपको प्रॉपरली कोई वीडियो एडिट करनी है, तो उसके लिए आपको यहाँ पर न्यू प्रोजेक्ट पर जाना है एंड देन आपको यहाँ से अपनी वीडियो सेलेक्ट कर लेनी है, जिसको आप एडिट करना चाहते हैं। तो मैं ये वाली वीडियो एक सेलेक्ट कर रही हूँ। तो दोस्तों, यहाँ पर ये हमारी वीडियो टाइमलाइन में आ गई है। अब हम यहाँ से रेशियो सेलेक्ट कर लेंगे 16:9, जो कि हमारा यूट्यूब का एस्पेक्ट रेशियो होता है। अब आपको इसमें सबसे पहला ऑप्शन मिल जाता है एडिट का एंड देन इसमें आपको ऑप्शन मिलता है स्प्लिट करने का। तो आप अपनी वीडियो को कितने भी पार्ट्स में स्प्लिट कर सकते हैं एंड देन आपको जो भी पार्ट डिलीट करना है, आप उसको डिलीट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ से इतने पोर्शन को स्प्लिट कर रही हूँ एंड मुझे इस वाले पोर्शन को डिलीट करना है, तो हम इसको डिलीट कर देंगे यहाँ से। अब इसके बाद आपको इसमें जो इम्पॉर्टेंट ऑप्शन मिलता है, वो है स्पीड का। तो आप यहाँ से अपनी वीडियो की स्पीड को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो सपोज़ अगर आपको स्लो मोशन वीडियोज़ एडिट करनी है, तो आप यहाँ से स्पीड को कम कर सकते हैं। इसी तरह से अगर आपको फास्ट वीडियोज़ बनानी है, तो आप इसकी स्पीड को ज़्यादा भी कर सकते हैं। अभी फ़िलहाल मैं अपनी स्पीड को यहाँ पर 1 रख रही हूँ, जो कि हमारी नॉर्मल स्पीड है। अब दोस्तों, इसके बाद आपको यहाँ पर ऑप्शन मिल जाता है वॉल्यूम का। तो आप यहाँ से अपनी वीडियो की वॉल्यूम को कम या ज़्यादा कर सकते हैं और अगर आपको म्यूट करना है, तो आप म्यूट भी कर सकते हैं यहाँ से। फिलहाल मैं यहाँ पर 100 रख रही हूँ। और दोस्तों, आपको यहाँ पर एनिमेशन का भी ऑप्शन मिल जाता है, तो आप एनिमेशन के ऑप्शन को यूज़ करके अपनी वीडियो को और भी ज़्यादा प्रोफेशनल बना सकते हैं। यहाँ पर आपको फ्रेम इन में, जूम इन, जूम आउट, इस तरह के बहुत सारे ऑप्शन मिल जाएंगे। तो आपको जो भी अच्छा लगता है, आप उसको यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह से आपको फ्रेम आउट में कई सारे ऑप्शन मिलते हैं एंड इसके बाद आपको यहाँ पर डायनेमिक में भी कई सारे ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं।
और दोस्तों आपको यहाँ पर वीडियो रोटेट का भी ऑप्शन मिल जाता है, तो अगर आपको अपनी कोई वीडियो रोटेट करनी है तो आप इस ऑप्शन को भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं इस तरह से। और दोस्तों इसी तरह से आपको यहाँ पर और भी बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं जिनको यूज़ करके आप एक अच्छी वीडियो बना सकते हैं। फिलहाल मैं यहाँ पर सिर्फ इम्पॉर्टेंट ऑप्शन से डिस्कस कर रही हूँ, वरना वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। और दोस्तों अगर आप अपनी वीडियो में इफ़ेक्ट यूज़ करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर बहुत सारे इफ़ेक्ट्स के ऑप्शन मिल जाते हैं, जैसे कि बेसिक, फ्रेम, रेट्रो, टेक्सचर। तो आपको इसमें जो भी अच्छा लगता है आप उसको यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि मैं आपको ये वाला एक यूज़ करके दिखा देती हूँ, तो ये कुछ इस तरीके से आता है। अब दोस्तों आपको यहाँ पर एक और इम्पॉर्टेंट ऑप्शन मिल जाता है जो है म्यूज़िक ऐड करने का। तो आप इसको यूज़ करके अपनी वीडियोज़ में कोई भी बैकग्राउंड म्यूज़िक यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर आपको बहुत से कैटेगरी वाइज म्यूज़िक मिल जाएंगे, तो आपको जो भी अच्छा लगता है आप उसको डाउनलोड करके अपनी वीडियो में यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह से आपको यहाँ पर बहुत सारे साउंड इफ़ेक्ट्स भी मिल जाएंगे देखने को, तो आप इनको भी अपनी वीडियो में यूज़ कर सकते हैं। और दोस्तों अगर आपको अपनी वीडियो में वॉइस ओवर करना है तो आपको यहाँ पर वॉइस ओवर करने का भी ऑप्शन मिल जाता है। और दोस्तों अगर आपको अपनी वीडियो में टेक्स्ट ऐड करना है तो उसका ऑप्शन भी आपको यहाँ पर मिल जाता है। यहाँ पर आपको बहुत सारे फॉन्ट्स, इसी तरीके से आपको इसमें कैप्शंस में भी बहुत सारे ऑप्शन मिल जाते हैं, एंड टाइटल का ऑप्शन भी अगर आप चाहें तो यूज़ कर सकते हैं। तो फिलहाल मैं ये वाला फॉन्ट अगर आपको एक यूज़ करके दिखा देती हूँ, तो इस तरीके से आप यहाँ पर कोई भी टेक्स्ट ऐड कर सकते हैं एंड इसके साइज़ को भी आप छोटा बड़ा कर सकते हैं। फिलहाल मैं इस टेक्स्ट को यहाँ से डिलीट कर देती हूँ। और यहाँ पर आपको बहुत सारे स्टिकर्स भी मिल जाते हैं, तो आप चाहें तो इनको भी अपनी वीडियो में यूज़ कर सकते हैं। इसी तरीके से आपको यहाँ पर गिफ्ट ऑप्शन में भी बहुत से ऑप्शन मिल जाएंगे, तो आप किसी भी गिफ्ट को अपनी वीडियो में यूज़ कर सकते हैं अगर आप यूज़ करना चाहते हैं। अब दोस्तों अगर आपको अपनी वीडियो के ऊपर कोई दूसरी वीडियो या कोई फ़ोटो ऐड करनी है तो आप उसके लिए यहाँ पर PIP का ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं, और आपको जो भी फ़ोटो या वीडियो ऐड करनी है आप उसको यहाँ से सिलेक्ट कर लें। तो यहाँ पर मैंने ये एक ऐसे ही वीडियो ले ली है। अब आप इसको छोटा कर सकते हैं इसके साइज़ को, एंड आप चाहें तो इसको कहीं भी एडजस्ट कर सकते हैं कुछ इस तरीके से। अब दोस्तों अगर आपको अपनी वीडियो में कोई ग्रीन स्क्रीन एनिमेशन ऐड करना है तो उसके लिए आपको फिर से PIP के ऑप्शन में जाना है, और आपको अपनी जो भी ग्रीन स्क्रीन ऐड करना चाहते हैं आप उसको यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। तो मैंने यहाँ पर ये एक ग्रीन स्क्रीन सिलेक्ट कर ली है, अब हम इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर लेंगे कुछ इस तरीके से। अब दोस्तों ग्रीन स्क्रीन रिमूव करने के लिए यहाँ पर आपको क्रोमा की का ऑप्शन मिल जाएगा, तो आप इसको यूज़ करके आराम से अपनी ग्रीन स्क्रीन रिमूव कर सकते हैं। आप चाहें तो यहाँ से इंटेंसिटी को भी कम ज़्यादा करके एडजस्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारी ग्रीन स्क्रीन कुछ इस तरीके से रिमूव हो गई है, अब हम इसको डन कर देंगे। और फ्रेंड्स जब आपकी पूरी वीडियो एडिट हो जाती है तो आपको यहाँ पर एक्सपोर्ट का ऑप्शन मिल जाता है, इस पर क्लिक करके आप अपनी वीडियो को एक्सपोर्ट कर सकते हैं। सो या दैट वॉज इट फॉर टुडेज वीडियो। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल बटन भी प्रेस करें, जिससे आपको मेरी न्यू वीडियोज़ की अपडेट मिलती रहेगी। और आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय।